नमस्कार, वीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज के हेडलाइंस पर। छोटू भोयर ने कांग्रेस की ओर से भरा विधान परिषद के लिए नामांकन, सोमवार को ही भाजपा छोड़कर कांग्रेस में किया प्रवेश। गोवारी स्मारक पर शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि, आदिवासी गोवारियों के बलिदान को 27 वर्ष पूरे। और अमरावती में सोशल मीडिया पर गलत जानकारी फैलाने वालों पर की गई कार्रवाई। और अब खबरें विस्तार से। विधान परिषद स्थानीय निकाय सीट के लिए 10 दिसंबर को होने वाला चुनाव अब बेहद रोमांचक हो गया है। भाजपा छोड़कर सोमवार को छोटू भोयर ने कांग्रेस में प्रवेश किया और प्रवेश करने के दूसरे दिन ही कांग्रेस की ओर से उन्होंने मंगलवार सुबह विधान परिषद स्थानीय निकाय सीट के लिए नामांकन भरा। सोमवार को देवड़िया कांग्रेस भवन में आयोजित विशेष सभा में संघ स्वयंसेवक छोटू भोयर ने भाजपा को अधिकृत तौर पर राम राम ठोका। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अब अपने राजनीतिक करियर में आगे वे कांग्रेस के साथ बने रहेंगे। इसी के चलते मंगलवार सुबह विधान परिषद स्थानीय निकाय सीट के लिए कांग्रेस की ओर से उन्होंने अपना नामांकन भी भर दिया। इस दरमियान पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने अपनी जीत का दावा किया। वहीं जब उन्हें भाजपा के संबंध में पूछा तो इस मुद्दे पर बात करने से उन्होंने मना कर दिया। नामांकन भरने के दौरान कांग्रेस के सभी बड़े नेता उपस्थित थे। महाविकास आघाडीचे लीड पार्टनर म्हणून महाविकास आघाडीचे नागपुरातले लीड पार्टनर म्हणून काँग्रेस एकत्रितपणे या ठिकाणी उभी आहे। आणि मला असं वाटतं की भारतीय जनता पार्टी आणि आमचे विरोधक हे छिन्न विच्छिन्न अवस्थेत तुम्हाला 14 तारखेला दिसून येईल। मंगलवार को आदिवासी गोवारी स्मारक पर महापौर द्वारा पुष्प चक्र अर्पण कर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित थे। 23 नवंबर 1994 को न्याय की मांग करते हुए नागपुर में गोवारी समाज बंधुओं ने भव्य मोर्चा निकाला था। इस दौरान हुई भगदड़ में 114 आदिवासी गोवारी बंधु शहीद हुए थे। मंगलवार को सुबह 0 माइल स्थित गोवारी स्मारक परिसर में जाकर महापौर दयाशंकर तिवारी, उप महापौर श्रीमती मनीषा धावड़े, विधायक परिणय फुके, धर्मपेट जोन सभापति सुनील हिरणवार, नगर सेविका परिणीता फुके ने पुष्प चक्र अर्पण कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी और अभिवादन किया। इस दौरान गवारी समाज के स्त्री पुरुष व बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित थे। अमरावती हिंसाचार प्रकरण में अमरावती में अफवाह फैलाने वाले 3 व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन पर कार्रवाई की गई, जिसमें पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। अमरावती शहर में 12 और 13 नवंबर को हिंसाचार होने के बाद शहर में कर्फ्यू लगाया गया था। साथ ही बड़े पैमाने में अफवाह फैलाए जाने से शहर की इंटरनेट सेवा 7 दिन के लिए बंद की गई थी। अब इंटरनेट सेवा पूरी तरह शुरू की गई है, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से किसी भी तरह की अफवाह फैलाई ना जाने का आह्वान पुलिस प्रशासन ने किया था। फिर भी व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से गलत जानकारी फैलाए जाने से व्हाट्सएप के 3 ग्रुप एडमिन और सोशल मीडिया पर गलत जानकारी देने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में पुलिस आयुक्त आरती सिंह ने मामला दर्ज किया है। सर्वात प्रथम आम्ही सर्वांना हे सूचना दिलेले आहोत की कुठलाही प्रकारच्या अफवा हे खात्री न करता व्हायरल किंवा फॉरवर्ड करायचे नाही। आणि सर्व जे व्हॉट्सअप ग्रुप्स आहे त्याच्यामध्ये ॲडमिन मोड आणि ओनली मेसेजेस हे मोड आपण सेफ करण्याकरता सेटिंग्समध्ये लावण्याकरता सांगण्यात सर्व ग्रुप ॲडमिन्सला सूचना दिलेल्या आहोत। तसंच एक सेक्शन 144 ची ऑर्डर सुद्धा आपण सर्व सोशल मीडिया जे ॲडमिन्स हाताळत आहे त्यांना एक सूचना दिली आहे काळजी बाळगण्याकरिता। आणि आतापर्यंत आम्ही असे फेक न्यूज किंवा काही धार्मिक तेढ निर्माण करणारे फेक न्यूज हे व्हॉट्सॲप किंवा ट्विटर किंवा फेसबुकवर जे आम्हाला मिळालेलं आहे त्यांच्यावर असे 7 लोकांच्यावर आम्ही कारवाई केलेल्या आहोत। याच्यामध्ये 3 व्हॉट्सअप ग्रुप ॲडमिन त्यांच्यावर कारवाई आपण केलेली आहोत। चलते ट्रेन में मोबाईल छीन कर भागने वाले शातिर चोर को डोंबिवली आरपीएफ ने गिरफ्तार किया। साथ ही आरोपी के पास से मोबाईल लेकर मोबाईल जिस व्यक्ति का है उसे लौटाया गया।
ट्रेन शुरू होने पर स्टेशन खत्म होने के पहले यात्रियों के हाथों को झटका देकर मोबाइल छीनकर भागने वाले शातिर चोर को डोंबिवली आरपीएफ पुलिस ने पीछा कर रंगे हाथ पकड़ा। मोहम्मद सुखरुद्दीन जाकिर शेख गिरफ्तार आरोपी का नाम है। ये मोबाइल चोर झारखंड का रहने वाला है। शनिवार को कोपर स्टेशन पर कसरा लोकल रुकी थी, इसमें बैठकर आरोपी ने ट्रेन शुरू होते ही 57 वर्षीय शिवाजी विष्णु बोगार्डे के हाथ को झटका देकर मोबाइल छीन लिया, जिसके बाद आरपीएफ को घटना का पता चलते ही आरोपी को पकड़ लिया गया। हाँ, ये घटना 20 तारीख की है, कोपर स्टेशन की है। जैसे ही कसारा स्लो लोकल गाड़ी आई तो उसमें एक चोर ने क्या यात्री का तो अपने ढीले हाथ से पकड़ के रखा था मोबाइल, तो उसको छीन के जैसे लोकल शुरू हुई तुरंत नीचे उतर कूद के भाग गया। तो जिस यात्री का मोबाइल चोरी हुआ था उसने जोर से चोर चोर चिल्लाया, तो वहाँ ड्यूटी पे हमारा स्टाफ महिला आरक्षक प्रतिभा शर्मा, एक एमएसएफ स्टाफ और एक जीआरपी का स्टाफ थे, उन्होंने उनका तुरंत पीछा किया। वो चोर उतर के कोपर ईस्ट में झुग्गी झोपड़ी में उधर भागा, तो उसके पीछे दौड़ करके उसको वहाँ से पकड़ के लेके आए। उसने चोर का नाम है मोहम्मद सकरुद्दीन जाकिर शेख, जो वैसे वासी में रहता है और मूल निवासी वो झारखंड का है। उसको जीआरपी के अंदर दिए, उसके लूट के खिलाफ उसके मामला दर्ज किया गया। कई दिनों से एसटी कर्मचारियों का आंदोलन शुरू है। वही एसटी कर्मचारियों का कहना है कि अब आत्महत्या नहीं करेंगे। आत्महत्या के लिए मजबूर करने वाले सरकार को कुर्सी खाली करने के लिए मजबूर करने की बात कही। पिछले 26 दिनों से रामनगर के एसटी डिपो के सामने कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हैं। अब तक उनकी मांगे पूरी नहीं की गई। वही एसटी कर्मचारियों का कहना है कि अब वे आत्महत्या नहीं करेंगे। आत्महत्या के लिए मजबूर करने वाले सरकार को कुर्सी खाली करने के लिए मजबूर करने की बात कही। आणि आमचा 26वा दिवस आजचा विलीकरणाच्या लढ्यासाठी चालू आहे। मी एक महत्त्वाची सूचना माझ्या सर्व एसटी बांधवांना करतो की आजपर्यंत जे आपले 42-43 लोक शहीद झाले, ज्यांनी बलिदान दिलं, यांचं बलिदान व्यर्थ जाणार नाही। परंतु मी एक या माध्यमातून सर्व महाराष्ट्रातील एसटी माझ्या बंधू भगिनींना एक आवाहन करतो की आता आपल्याला आत्महत्या करायचं नाही। ज्या सरकारने आपल्याला आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त केलं, तर आपण आता याच्यानंतर यांच्या आत्महत्या करण्याला प्रवृत्त व्हायचं नाही, तरी आपण यांना सरकारला प्रवृत्त करायचं, यांची खुर्ची खाली करण्यासाठी। म्हणून मी संपूर्ण महाराष्ट्रातील सर्व कर्मचाऱ्यांना पुन्हा एकदा आवाहन करतो की आता मरायचं नाही, आता लढायचं। म्हणून मी माझ्या बंधू भगिनींना पुन्हा एकदा आवाहन करतो की आता कोणी माझा बंधू राहू की भगिनी राहू, आत्महत्येचा विचार करायचा नाही, तर लढायचं। आणि असं लढायचं की हे सरकार स्वतः खुर्ची सोडून जाण्यास प्रवृत्त झालं पाहिजे। मग तो चला एक ब्रेक का, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 1 डिग्री 3 जॉब अपॉर्चुनिटीज। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटक बैंक, नागपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भंडारा जिले के खापा में खेत के विवाद में बड़े भाई की छोटे भाई ने कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी। पुलिस ने इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। खेत की जमीन के विवाद में छोटे भाई ने बड़े भाई और उनके पत्नी पर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला किया, जिसमें बड़े भाई की मौत हो गई जबकि पत्नी गंभीर रूप से जख्मी है। यह घटना तुमसर तहसील के खापा की है। 35 वर्षीय अजाबराव नत्थू भोयर मृतक का नाम है। उनकी 30 वर्षीय पत्नी निशा अजाबराव भोयर गंभीर रूप से जख्मी है, जिसका अस्पताल में इलाज जारी है। 30 वर्षीय आरोपी खुशाबराव नत्थू भोयर ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर लिया। मृतक और आरोपी दोनों सगे भाई है। पुलिस को घटना की जानकारी मिलते ही तुमसर के पुलिस निरीक्षक नितिन चिंचोलकर घटनास्थल पहुंचे और मामले की जाँच शुरू की। खापा जी
आंबेडकर वार्ड मध्ये राजाबराव भोयर त्यांच्या पत्नी निशा भोयर आणि राणा म्हणजे आरोपी कुशाबराव भोयर यांच्यामध्ये शेती आणि जमिनीचे वाद किरकोळ दिवसांमध्ये काही सुरू चालू होते आणि काल सकाळी निशा भोयर यांनी घरामध्ये चूर मांडली तर चूरने का मांडली याच्यावरून वाद करून सायंकाळी अजावराव हे पूजेसाठी बसले असताना यांनी मागून येऊन आरोपीने मागून येऊन तिच्या डोक्यात पुरण घावून गंभीर जखमी केले. निशा भोयर ही तिला वाचवण्यात आली तर तिच्या सुद्धा डोक्यात पुरळ मारून गंभीर जखमी केले. त्या उपचारादरम्यान अजावराव भोयर हा मय झालेला आहे आणि ही निशा भोयर ही गंभीर जखमी झालेली आहे. त्यामध्ये निशा भोयर यांच्या फिर्यादीवरून आरोपी कुशाबराव भोयर याचे 300-307 टाकले आहे. बीते 26 दिनों से एसटी कर्मचारियों का आंदोलन वर्धा में जारी है. इस आंदोलन को भीम टाइगर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष दादासाहेब शेलके ने भेंट दी और कर्मचारियों की समस्या जानी. पिछले 26 दिनों से रामनगर के एसटी डेपो के सामने कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे हैं. इस आंदोलन को कई सामाजिक व राजकीय संगठन ने समर्थन दिया. जब तक मांगे पूरी नहीं होगी तब तक आंदोलन करेंगे ऐसी भूमिका एसटी कर्मचारियों ने ली है. इस आंदोलन मंडप को भीम टाइगर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष दादा साहेब शेलके ने जाकर समर्थन दिया और भीम टाइगर सेना एसटी कर्मचारियों के साथ खड़ी रहने का आश्वासन भी दिया. पहिल्यांदा संविधानाच्या अधीन जाऊन आमचे सर्व एसटी कर्मचारी बांधव आज जवळपास 1 महिन्यापासून रितसर मार्गाने आंदोलन करत असताना सुद्धा आजपर्यंत या महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र का महाविकास भकास आघाडीने दखल नाही घेतल्याबद्दल भीम टायगर सेना या क्रांतिकारी संघटनेच्या वतीने मी पहिल्यांदा त्यांचा जाहीर निषेध करतो आहे. नंबर 2, मला कळत नाही जे सरकार लोकांनी निवडून दिलेलं सरकार जेव्हा सत्तेत येतं तेव्हा त्यांचं काम असतं लोकांच्या हिताचे कायदे करणे. मुळातच या शासनामधील अनिल परब नावाचा मंत्री परिवहन खात्याचा मंत्री हा आमच्या एसटी कर्मचारी बांधवांचा दिशाभूल करण्याचं काम करतो आहे. तो असा म्हणतो आहे एसटी महामंडळ जर शासनात विलीनीकरण केलं तर जवळपास 40 इतर महामंडळ आहेत ते उद्या मागणी करतील. परंतु त्या नालायक अनिल परबला मला सांगायचं जवळपास 30 महामंडळातील कर्मचाऱ्याला 7वा वेतन आयोग लागू केला तेव्हा महामंडळाचा आमच्या एसटी का विचार केला नाही. बुलडाणा में विशेष मुहिम के दौरान आबकारी विभाग ने अवैध देशी शराब के अड्डों को नष्ट कर 16 लोगों को गिरफ्तार कर उन पर मामला दर्ज किया. वहीं अब शराब पीने वालों के लिए परमिट बंधनकारक होगा अन्यथा कार्रवाई की जाएगी ऐसी चेतावनी भी आबकारी विभाग ने दी. आबकारी विभाग द्वारा पिछले 3 दिन में विशेष मुहिम शुरू की गई. इस मुहिम के तहत अवैध देशी शराब जब्त करने के साथ साथ देशी शराब के अड्डे नष्ट किए गए. साथ ही 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. 19 व 20 नवंबर को बुलढाणा जिले के चिकली मोताला खामगांव देउलगांव राजा इन 3 तहसील में संयुक्त कार्रवाई में सैकड़ों लीटर हाथ भट्टी की शराब मोहसड़वा रसायन जब्त कर नष्ट किया गया. साथ ही देशी विदेशी शराब का परिवहन करने वाला वाहन जब्त कर 1.5 लाख से ज्यादा का माल आबकारी विभाग ने जब्त किया. साथ ही अवैध शराब बिक्री करने के साथ शराब पीने वालों को भी परमिट बंधन कारक रहेगा. ऐसे लोगों पर आबकारी विभाग की कड़ी नजर है. यदि बगैर परमिट शराब पी तो कार्रवाई की जाएगी ऐसी चेतावनी आबकारी विभाग के अधीक्षक भाग्यश्री जाधव ने दी है. 19 नोव्हेंबर ते 21 नोव्हेंबर 3 दिवसाच्या सलग सुट्ट्या व त्या अनुषंगाने अवैध मद्य वाहतुकीची शक्यता लक्षात घेता राज्य उत्पादन शुल्क विभागामार्फत संयुक्त कारवाई करण्यात आली. यात खामगाव कार्यक्षेत्र व चिखली कार्यक्षेत्रात भरारी पथक व क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांमार्फत मोहिमा राबविण्यात आल्या. सलग 2 दिवसाच्या कारवाईत बोरखेडी शिवार चिखली विविध फाटे ह्या ठिकाणी मोहिमा राबवून 16 गुन्हे नोंदविण्यात आले व 16 आरोपी करण्यात आले व त्याच्यात 212 लिटर हातभट्टीचा नायनाट करण्यात आला व एका वाहनासह 1,52,000 एवढा मुद्देमाल नष्ट करण्यात आला आहे. मात्र सदर मोहीम सुरू असताना मिळालेल्या माहितीनुसार हॉटेल निसर्ग ढाबा देऊळगाव मही येथे 1 किसम अवैध मद्य विक्री करतो असं समजल्याने तेथे गुन्हा नोंद करण्यासाठी भरारी पथक पोहोचले असतं. तेथील ढाबा मालकाचे भाऊ अमोल तेजराव शिंगणे यांनी
सरकारी लोकांशी हुज्जत घातली व मारहाण करून दमदाटी करण्याचा प्रयत्न केला. त्या संदर्भात त्या दरम्यान त्यांनी काचेची बाटली फोडून आमचे वाहन चालक श्री विशाल सिंग पाटील व दुय्यम निरीक्षक भरारी पथक श्री मुंगडे यांना लाथाबुक्क्यांनी मारहाण केल्याचा अनुचित प्रकार घडला. कोणत्याही सरकारी कामकाजास अडथळा आणणे हा गुन्हा आहे व त्या अनुषंगाने देऊळगाव राजा पोलीस स्टेशन येथे फिर्याद नोंदविण्यात आली व संबंधितांविरुद्ध कलम 353, 332, 504 अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला. याबाबत आम्ही आवाहन करू इच्छितो की ज्याप्रमाणे वाहन चालविण्यासाठी लायसन्स असणे आवश्यक आहे त्याचप्रमाणे आपण धाब्याच्या इथे अथवा परमिट रूमच्या इथं मद्य प्राशन करत असल्यास मद्य सेवनासाठी त्याचप्रमाणे मद्य बाळगण्यासाठी मद्याची वाहतूक करण्यासाठी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या परवान्याची आवश्यकता आहे. अनेक लोक ढाबे अथवा परमिट रूमवर विना मद्य परवाना असताना मद्य सेवन करत असता कलम 68 अन्वये विना परवाना मद्य सेवन हा गुन्हा आहे. आम्ही लवकरच त्याही अनुषंगाने अशा अवैध ढाब्यांवर जे दारू पिणारे असतील त्यांच्यावरही कारवाई करण्यात येईल व त्यांच्याही वैद्यकीय तपासणी करून न्यायालयापुढे त्यांना सादर करण्याची कारवाई करण्यात येईल. सदर कारवाई करताना सदर इस्माने जी शिवीगाळ केली अथवा धमकी देण्याचा प्रकार केला त्या अनुषंगाने तो गुन्हा नोंदविण्यात आला. सदर इस्मास 14 दिवसाची न्यायालयीन कोठडी मंजूर झालेली आहे. मात्र ह्या इस्मावर चिखली कार्यक्षेत्रानेही यापूर्वी या ठिकाणी गुन्हा नोंदविण्यात आलेला आहे. त्या सर्व गुन्ह्यांचा आढावा घेऊन आम्ही प्रांताधिकारी यांच्याकडे मुंबई महाराष्ट्र दारूबंदी अधिनियम च्या अनुषंगाने प्रतिबंध. नागपुर शहर सहित जिले में ठंड गायब होने से एक बार फिर उमस और गर्मी परेशान करने लगी है. जिस मौसम में कड़ाके की ठंडी पड़नी चाहिए उस मौसम में हल्की बौछारें पड़ रही है. इन बौछारों और बदरीले मौसम के कारण जिले में उमस बढ़ गई है. इससे फसलों को नुकसान होने की संभावना व्यक्त की जा रही है. मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिनों तक इसी तरह का मौसम रहने की संभावना व्यक्त की है. इन दिनों जिले में मौसम का मिजाज एक बार फिर बिगड़ गया है. रविवार को शहर के अनेक हिस्सों में हल्की बारिश हुई थी. सोमवार को भी सुबह के वक्त बारिश हुई. इस वजह से दिन भर उमस भरे मौसम की वजह से गर्मी बढ़ गई. पिछले सप्ताह से जिले में ठंड गायब हो गई है. बदरीले मौसम की वजह से कुछ इलाकों में सुबह के वक्त बूंदाबांदी भी हुई. वहीं कुछ जगह 10-15 मिनट तक बारिश भी हुई. बारिश की वजह से ठंड नदारद हो गई. दोपहर के वक्त धूप के चटके लगने लगे और उमस भरी गर्मी ने हलाकान कर दिया. सोमवार को सिटी का अधिकतम तापमान 31.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं न्यूनतम तापमान 23.2 डिग्री सेल्सियस रहा जो कि अधिक था. मौसम विभाग की माने तो अगले कुछ दिनों तक इसी का मौसम बना रहेगा. कुछ इलाकों में हल्की बारिश भी हो सकती है. अचानक मौसम का मूड बदलने से ठंड गायब हो गई है. नवंबर के अंतिम सप्ताह में सिटी में अच्छी ठंड पड़ती थी लेकिन इस बार उमस का सामना करना पड़ रहा है. इससे स्वास्थ्य पर भी असर हो रहा है. सर्दी जुकाम और खांसी के मरीज बढ़ गए हैं. वहीं उल्टी और दस्त के भी मरीज देखे जा रहे हैं. कहते हैं प्यार अंधा होता है लेकिन प्यार का अंधापन मतभेद भुलाकर अच्छाई को अपनाने के लिए हो तो फिर ठीक है. यदि नहीं तो अंधापन बदले की भावना में तब्दील हो जाए तो फिर खतरनाक हो जाता है. सोमवार को प्रेम संबंधों में आई खटास के बाद एक युवक ने मेडिकल परिसर में जाकर अपनी गर्लफ्रेंड की कनपट्टी पर पिस्तौल लगा दी. हालांकि उसने गर्लफ्रेंड का काम तमाम करने की प्लानिंग कर ली थी लेकिन गन से फायर नहीं होने के कारण युवती की जान बच गई. मेडिकल में दिन दहाड़े हुए इस घटना से कई तरह के सवाल खड़े कर दिए है. सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी तरह तरह की चर्चा की जा रही है. जानकारी के अनुसार 24 वर्षीय युवती मेडिकल कॉलेज में पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी में बीएससी की पढ़ाई पूरी कर वहीं इंटर्नशिप कर रही है. आरोपी वलनी खापरखेड़ा निवासी विक्की चकोले बताया गया. करीब 1.5 वर्ष पहले मेनका की फेसबुक पर विक्की की पहचान हुई. दोनों के बीच चैटिंग और बातें शुरू हुई और दोस्ती प्रेम संबंधों में बदल गई लेकिन यह प्रेम प्रसंग अधिक दिनों तक नहीं रह सका. करीब 6 महीने पहले युवती ने विक्की से दूरी बना ली थी. इसी वजह से वह परेशान हो गया था. मानसिक तनाव की वजह से वह युवती को धमकाने लगा था. इस बारे में युवती ने पुलिस में शिकायत भी की थी. सोमवार को युवती मेडिकल से घर जाने को निकली थी. विक्की पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था. परिसर में मिलने के बाद दोनों के बीच बातचीत भी हुई. इसी दौरान विक्की ने कमर से पिस्तौल निकाल ली. युवती की कनपट्टी पर पिस्तौल लगाकर उसने 3 बार फायर करने का प्रयास किया लेकिन गोली नहीं निकली. उसने खुद की कनपट्टी पर भी पिस्तौल रखी. आसपास खड़े छात्रों ने चीख पुकार की
और सुरक्षा रक्षकों के आते ही विक्की पार्किंग की फेसिंग कूदकर भाग निकला। इस घटना के बाद परिसर में हड़कंप मच गया, साथ ही मेडिकल की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए। तो प्राइम टाइम न्यूज में आज इतना ही, आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए विकीबी न्यूज। नमस्कार।